हजारीबाग उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 2 पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे, जो कि पहले से ही आइसोलेशन में रखे गए थे। 2 लोग नए हैं जो बाहर से आए हैं। इनमें से 1 राजधानी एक्सप्रेस से लौटा है। ऐसे में उस बोगी में सफर करने वाले सभी लोगों के बारे में अन्य जिला के पदाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल खंगालने का काम किया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। 4 लोग हैं, 4 आइसोलेटेड हैं। एक उसमें से एक व्यक्ति प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, दूसरा भी एक तरीके से प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, बाकी 2 लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है। 4 हमारे हॉस्पिटल में और उनका इलाज हम लोगों ने शुरू करा दिया। 30,500 रुपये का फाइन ट्रैफिक वायलेशन और लॉकडाउन वायलेशन के संबंध में प्रोसिक्यूशन जमा किया गया था और अब तक टोटल लॉकडाउन पीरियड में 15,80,000 का